बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा जो मुझे अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान और अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाए। आज हम बात करेंगे ग्रामर में फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल जो है उसकी पहचान के लिए जुमले देखेंगे और उसमें से इन तीनों को अलग-अलग करेंगे। आपको पता है कि पहले हम ये पढ़ चुके हैं, फ़ाइल जो है वो कहते हैं काम करने वाला, उर्दू ग्रामर में काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है, और फ़ेल जो है वो काम को कहते हैं। तो जो फ़ेल है वो काम होता है, और मफ़ूल जो है उसको जिस पर काम किया जाए, यानी फ़ेल एक जुमले में फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल होते हैं। अब हम देखते हैं काम करने वाला काम और जिस पर काम किया जाए। क्या आप कामयाबी चाहते हैं? अच्छा कामयाब इंसान बनना चाहते हैं? बिल्कुल, हर कोई चाहता है कि वो बड़ा होकर कामयाब इंसान बने, लोग उसकी इज्जत करें, उसके पास पैसा भी हो, दौलत भी हो। ठीक है, तो आपको अपने आप को तब्दील करना पड़ता है कि अंडा जो है उसके अंदर से जो है ज़िंदगी निकलती है। अगर अंडे को बाहर से तोड़ दें तो वो ख़राब हो जाता है। तो तब्दीली जो है आपने अपने अंदर लानी है, तो फिर ही आप कामयाबी हासिल कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि एक बीज जो होता है उसको जब मिट्टी में बोते हैं तो वो एक पौधा बन जाता है, लेकिन उसे पौधे तक बनने के लिए बीज जो है वो उसे पानी देना पड़ता है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। अगर एक बीज का खोल जो है बाहर से तोड़ दिया जाए तो उसके अंदर से छोटा सा पौधा, बड़ा दरख्त नहीं बनता। तो इस तरह अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने तब्दीली अपने अंदर कैसे लेके आनी है। तो आप एक तो ये है कि अपने कुछ भी हो जाए अपनी एक रूटीन बनाएं, आपने रोज़ का काम रोज़ करना है। ठीक है, दिल करे ना करे आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी पढ़ाई में बाकायदगी लेके आनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, और सबसे अहम काम आपने दुआ करनी है और अल्लाह ताला से रابطہ रखना है। अल्लाह से रابطہ कैसे रख सकते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक कुरान मजीद, दूसरी मेरी सुन्नत। तो प्यारे बच्चों, आज से असली कामयाबी, दुनिया की भी कामयाबी हासिल होगी और आखिरत की भी, कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई छोटी छोटी दुआएँ याद करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी यकीनी है। हम अपने सबक की पहला जुमला है, अम्मी खाना पकाती हैं। हम सबकी अम्मियाँ खाना बनाती हैं, ठीक है, मज़े मज़े का खाने बना के खिलाती हैं। अब हम देखते हैं कि अम्मी जो हैं वो काम कर रही हैं, तो ये फ़ाइल हैं, और अम्मी जो हैं वो क्या पका रही हैं? खाना। तो पकाना जो है वो फ़ेल है, और किसके ऊपर काम हो रहा है? खाना। खाना जो है वो हमने देखा कि अम्मी फ़ाइल हैं, फ़ेल पकाती हैं, और मफ़ूल जो है वो खाना है। कहते हैं आमिर ने नई कमीज़ ख़रीदी। अब आमिर जो है वो जिसने कमीज़ ख़रीदी, कमीज़ क्या चीज़ ख़रीदी? कमीज़ और ख़रीदना एक काम है। तो अब हम देखते फ़ाइल आमिर है, इसमें फ़ेल ख़रीदना है, ख़रीदी, और मफ़ूल जो है वो कमीज़ है। अगले जुमले की तरफ, आयशा ने तस्वीर बनाई। अब देखें आयशा जो है वो पेंटिंग कर रही है, उसने एक तस्वीर बनाई, इसमें फ़ाइल जो है वो आयशा है, और फ़ेल जो है काम करना, बनाना है, ड्रॉ कर रही है, पेंट कर रही है, और मफ़ूल कौन है? तस्वीर जिसके ऊपर काम हो रहा है। चलते हैं, बिल्ली, मुर्गी,
के पीछे भाग रही है। आप देखें कि जो है वो फाइल जो है वो बिल्ली है, और फेल काम जो है वो भागना है, और किसके पीछे मफूल जो है वो मुर्गी है। जुमले की तरफ चलते हैं। कश्ती पानी में चल रही है, तो है कि जो फाइल है वो कश्ती है, और जो फेल है वो चल रही है, और मफूल जो है वो पानी है, यानी कश्ती किस में चल रही है, पानी। फिर अगला जुमला है हमारे पास, अब्बू गाड़ी साफ कर। तो फाइल जो है वो अब्बू हैं, फेल जो है वो साफ करना है, और मफूल क्या है, गाड़ी। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।